नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, इस पेंटिंग की ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हम इसको कलर करेंगे। दो कलर्स का इस्तेमाल करूंगी मैं, रेड और येलो कलर से इस पेंटिंग को मैं कलर करूंगी। साथ ही बालों को कलर करने के लिए मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूंगी। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पेंटिंग में हम बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दो रंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पेंटिंग मैं कचनी स्टाइल में बना रही हूँ। और जब हम मधुबनी पेंटिंग कचनी स्टाइल में बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक या दो रंग का इस्तेमाल किया जाता है और पूरी पेंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में होती है ऑलमोस्ट। कचनी स्टाइल में बनी हुई पेंटिंग को ब्रश या फिर पेन की सहायता से बहुत सारे डिजाइन्स बनाकर भरा जाता है और इस तरह से बनी हुई पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। भगवान कृष्ण के कपड़ों को हम येलो कलर से कलर करेंगे। लेमन येलो में मैंने बहुत जरा सा रेड कलर मिक्स किया है ताकि हल्का सा ऑरेंज जैसा लुक आ जाए। इसी येलो से हम अंदर वाले बॉर्डर को भी कलर कर देंगे। साड़ी के कुछ हिस्सों और ज्वेलरी वगैरह में भी मैं येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम सभी के बालों को ब्लैक कलर से कलर कर देंगे।
बाहर के बॉर्डर को भी ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। दोस्तों कलरिंग के बाद साड़ी की लाइंस और डिजाइंस छिप गए थे, तो मैंने इसकी लाइंस की एक बार फिर से आउटलाइनिंग कर दी है और इसके डिजाइंस को एक बार फिर से मैं बना रही हूँ। साड़ी के बॉर्डर के अंदर हम बहुत पतली पतली लाइंस बनाकर कचनी कर लेंगे। भगवान कृष्ण के कपड़ों में भी हम कुछ डिजाइन बना लेंगे। द्रौपदी की साड़ी को भी छोटे छोटे डॉट्स बनाकर डेकोरेट कर लेंगे। अब खाली बचे हुए बैकग्राउंड को हम भर लेंगे और इसको भरने के लिए माइक्रोन 005 पेन का इस्तेमाल मैं करूंगी। इसकी टिप बहुत पतली होती है और इससे बहुत बारीक डिजाइन बन जाती है, तो बहुत बारीक खूबसूरत डिजाइन बनाकर हम इस पूरे बैकग्राउंड को भरेंगे। बाकी सारी लाइंस और डिजाइंस बनाने के लिए हमने माइक्रोन 05 का इस्तेमाल किया था, जो कि इससे मोटा होता है, और यही डिफरेंस जो है इसकी वजह से हमारी ये डिजाइन बाकी सारी ड्राइंग में मिक्स नहीं होगी और ये अलग से बहुत बारीक और बहुत खूबसूरत लगेगी। इस डिजाइन के साथ हम इस पूरे बैकग्राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस बैकग्राउंड में भी कुछ और डिजाइन बनाकर इसको और भी ज्यादा भर लेंगे। तो दोस्तों हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कचनी स्टाइल में बनी हुई द्रौपदी और भगवान कृष्ण की ये मधुबनी पेंटिंग मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।